देश में राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान हो चुका है। अधिसूचना 15 को जारी हो जाएगा और उसके बाद अगले महीने राष्ट्रपति का चुनाव होगा। नामांकन में अभी तारीख है, लेकिन जो बिहार से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार नामांकन के तैयारी में हैं, नीतीश कुमार नामांकन करना चाहते हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अगर प्रस्ताव कर दे तो नीतीश जरूर सहमत हो जाएंगे। वहीं अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये वो लालू प्रसाद यादव हैं जिन्हें आप जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री वाले लालू प्रसाद यादव नहीं हैं, ये मढ़ौरा के लालू प्रसाद यादव हैं, ये सारण के मढ़ौरा के लालू प्रसाद यादव हैं जो वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ते हैं। इनका मानना है कि कभी ना कभी वो जीतेंगे। मढ़ौरा के लालू प्रसाद यादव पिछले बार प्रधानमंत्री का भी चुनाव लड़े थे। अप्रत्यक्ष रूप से उनका मानना था कि लोग हमें वोट करेंगे और ऐलान भी किया था इसके पहले 2017 में। इसके पहले अगर बात करें तो सारण संसदीय क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ा था, यानी 2001 ईस्वी से ये हर चुनाव लड़ते हैं अपने क्षेत्र का, विधायकी का हो या संसदीय क्षेत्र का हो या मुखिया का हो या वार्ड पार्षद का हो, सभी चुनाव लड़ते हैं। तो फिर से एक बार ये चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक हैं। पिछले बार जब ये चुनाव लड़ने गए थे तो प्रस्तावकों की जो संख्या होती है वो इन्हें नहीं मिल पाई थी और फिर इस बार उनका दावा है कि 60 प्रस्तावक उनके पास हैं और बाकी जो लोग होते हैं प्रस्तावकों में, या यूं कहें तो और भी जो टीमें होती हैं जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए ज़रूरी होती है, अगर आपके पास वो टीमें हैं तो आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन कर सकते हैं। अब एक बार फिर से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि लालू प्रसाद यादव अब चुनाव लड़ेंगे। ये लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री वाले लालू प्रसाद यादव नहीं हैं, लेकिन हाँ नाम उनका भी लालू प्रसाद यादव है और अक्सर ये सुर्खियों में रहते हैं, अक्सर ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं उनको लेकर। तो एक बार फिर से जो खबर निकल कर सामने आई है, कहीं ना कहीं ये लालू प्रसाद यादव मढ़ौरा वाले और अब वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। फ्लाइट का टिकट भी कट गया है, दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली में नामांकन करेंगे अगर उनके पास प्रस्तावकों की संख्या पूरी हो जाती है। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक तरफ जहां नीतीश लड़ेंगे वहीं लालू भी लड़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।